यस गुड इवनिंग। मुझे बताइए सर, कहाँ तक हमने कर लिया था? जैसे मैं से बता रहा हूँ, जी इससे कंटिन्यूस सिस्टम में आपने सेंटर ऑफ मास बताया था। कैविटी प्रॉब्लम आप लोगों को करा दिया मैंने, कैविटी प्रॉब्लम्स नो सर, तो ये नहीं कराया कि स्फेयर में से स्फेयर काट, मतलब डिस्क में से डिस्क काट के हटा दें तो कहां पर होगा सेंटर ऑफ मास? मुझे याद आ रहा है मैंने करवाया है, उसमें मास डेंसिटी वगैरह भी मैंने डिफाइन किया था सर। एक स्फीयर का हमने, वो स्फीयर कह रहा हूँ सर, हमने एक डिस्क का किया डिस्क का था और एक सर स्क्वायर स्क्वायर में डिस्क काटा था। तो देवांश रिवाइज नहीं किया इसका मतलब? तो हमने कैविटी प्रॉब्लम कर लिया, हमने ये सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ वी हैव कॉन्टिन्यूस बॉडी तो उस केस में उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वेयर विल गेट द सेंटर ऑफ मास, उसमें मैंने एक रॉड का करवाया होगा। अभी मैं फिर से वही एक रॉड का करवा रहा हूँ, और इस रॉड में और उस रॉड में डिफरेंस है। द रॉड दैट वी टुक इन द फॉर द लास्ट टाइम वॉज rod with continuous uniform mass distribution. Now I am taking the rod which has non-uniform mass distribution. मतलब क्या सर? मतलब ये है कि इसकी जो mass density है, that is given as equal to 2 times of x, where x is the distance from the left end of the rod. मतलब इसको आप origin मान लीजिए, तो यहाँ पर where x is distance, any general distance of course, distance from left end of the rod. ये left end of the rod से ये distance है, end of rod. Left end of rod से जो ये distance है, that is x. Lambda is equal to 2x kg per meter. अब आपको, मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं याद है, वैसे याद होना चाहिए था। हमने last time ये discuss किया था कि mass density is of three types. One is called as linear mass density. The second one is called as surface mass density. And the third one is called as volumetric mass density. तो अगर इफ द यूनिट इज के जी पर मीटर, दिस मीन दैट दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी इज बेसिकली कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। अब अगर आप इस लीनियर मास डेंसिटी को देखें, तो ये जो आपकी लीनियर मास डेंसिटी है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज वेरियंग मास डेंसिटी। आई मीन द रॉड हैज द मास विच इज नॉन यूनिफॉर्म, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है? ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर हर यूनिट लेंथ का जो मास है वो अलग अलग है, दैट इज नॉट सेम। तो दिस इज नॉट द लीनियर, मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, रादर इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? ये कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बताना ही है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, तो मेथड तो यही है कि यू विल हैव टू कंसिडर एज एलिमेंट ऑफ दैट ऑफ द रॉड। तो इस रॉड का एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पर आपने ऑरिजिन मान लिया है, तो इस रॉड का एक्स डिस्टेंस पे जाके यू कंसिडर सम एलिमेंट विच हैज अ लेंथ ऑफ डी एक्स। मतलब ये एलिमेंट्री पोर्शन या इनफाइनाइट सिमली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द रॉड हम कंसीडर करेंगे। इस dx लेंथ में कितना मास होगा, तो हमें मालूम है कि भाई अगर आपको लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा का मतलब होता है dm by dl, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो dm अगर मुझे लिखना हो, तो वी कैन राइट इट एज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डीएल, ठीक है? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डीएल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसका मास लिखूं, तो दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू dm लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx। दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब सेंटर ऑफ मास लिखने का मैंने तरीका क्या आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ दैट एलिमेंट्री पोर्शन, जो यहाँ पर x आपने माना है, तो x ऑफ dm अपॉन dm, एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड ओवर द होल बॉडी।
तो इसका प्रॉपर यूनिट्स के साथ आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो एक्स इज द एक्स ओनली, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो आपने लिया है वो एक्स ही है. dm, that is the elementary mass, will be equal to lambda multiplied by dx, right? कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो x यहां पर देखें आप, तो ओरिजिन पे है 0 और यहां तक x is equal to l. So this will be integrated from 0 to l divided by, नीचे भी आप क्या लिखेंगे, lambda dx, that is the value of dm. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से l तक. तो x सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखें इसका, तो एक सेंटर ऑफ मास में देखो, अब लैम्डा की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 2x मल्टीप्लाइड बाय dx 0 से l, एंड इन द डिनोमिनेटर अगेन यू विल राइट इट एज 2x dx, दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू l. तो यहां पर आप इसको इंटीग्रेट करो, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, बचेगा इसमें जो बचेगा दैट विल बी x स्क्वायर dx एंड दैट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू l. और नीचे जो होगा बेटा वो होगा 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो और ये 0 से l एंड दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम x dx. ठीक है, पहले इतना नोट करिए तो मैं फर्दर बताता हूं. सर लैम्डा जैसे 2x है तो इसका मतलब लेंथ के साथ मोटी होती जा रही है, मतलब हेवियर होती जा रही है रॉड्स. यस, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसका मास बढ़ता जाएगा, तो जाहिर है कि वो यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा जैसा मैंने अभी बनाया है. अनडाउटेडली उसका शेप ऐसा तो नहीं होगा सर, बेस आगे बढ़ने पर जैसा होगा. हाँ, वैसा ही कुछ होगा. तो मैंने वैसा नहीं बनाया, नॉर्मल ऐसा बना दिया, बट यस द फीलिंग इज दैट ओनली कि बेस बैट जैसा होगा मोर ऑर लेस. Okay, so let us just integrate this value now. So, पहला जो आपका इंटीग्रेशन करना, you have to integrate x square dx. और x square का अगर इंटीग्रेशन करोगे with dx, तो उसका इंटीग्रेशन होगा x cube by 3. So, integration of this value will become x cube by 3. तो ये हो जाएगा 2, this 2 and this 2 goes, these 2 will be cancelled out. तो ये हो जाएगा सर आपका x cube by 3 and it has to be integrated from 0 to L. In the denominator, we have x dx, whose integration will be equal to x square by 2, and the integration will be done from 0 to l. So, ye aa jayega sir l cube by 3. Upper limit put karo, to l cube by 3, lower limit will be 0. And yahan par karo, to l square by 2 ho jayega sir. So, isko finally, agar aap dekhenge, to 2 by 3 multiplied by l. This will be the position where you will get the center of mass.
इसका मतलब इस केस में जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है दैट इज नॉट एग्जैक्टली एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर. इसका मतलब कि सर रॉड का सेंटर ऑफ मास या किसी भी ऐसी बॉडी का जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास मिलता है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, ये जरूरी नहीं है सर. ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ये तभी होगा व्हेन द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म. इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म तो फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर नहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं होगा. Then, एक मिनट सर. ओके मूविंग ऑन. तो देखो अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हम और बॉडीज का हम ड्राइव नहीं करेंगे. द रीजन बीइंग के सेंटर ऑफ मास ड्राइव करना आपको मैं एक सिखा चुका हूँ, एक एग्जांपल लेके, रॉड का एग्जांपल लेके मैं आपको सिखा चुका हूँ और उसमें दोनों केस में सिखा चुका हूँ. इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन बोथ द केसेस हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, यू नो द आइडिया, यू हैव द आइडिया नाउ. बट एक बात समझिए सर, सेंटर ऑफ मास का बेहतर तरीका यह है कि आप सेंटर ऑफ मास किसका कहां पर होता है यू जस्ट रिमेम्बर दैट, आप उसको याद कर ले. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सेमी सर्कुलर रिंग द सेंटर ऑफ मास वुड बी एट हाइट ऑफ 2r/5 फ्रॉम इट्स सेंटर. फिर इसी तरह से डिस्क होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क होगा तो कहां पर होगा, तो वो याद कर लीजिएगा प्लीज, है ना. अगर आपका कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट है तो ट्रायंगुलर प्लेट है तो उसका h/3 पे सेंटर ऑफ मास होता है, तो कहां पर किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है प्लीज जस्ट रिमेम्बर दैट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास पर, हाँ फॉर यूनिफॉर्म ऑब्वियसली. अगर नॉन यूनिफॉर्म का तो वैसे भी कोई वो याद करा नहीं जा सकता, उसका रीजन है कि आपके नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या दी जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि फिर नॉन यूनिफॉर्म का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा. नहीं जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने रॉड का जो वो दिया आपको मास डेंसिटी, वो मैंने 2x दिया. अगर मैं मान लीजिए कि रॉड का यही मास डेंसिटी 2x+1 होता तो ये कहीं और सेंटर ऑफ मास होता. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का तो आप याद कर ही नहीं सकते बिकॉज इट्स वैल्यू विल चेंज डिपेंडिंग ऑन कि आपका वो मास डेंसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म है वो क्या दी गई है या वो कैसे चेंज कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर केस में बदल जाएगा. बट यूनिफॉर्म का तो अगर फिक्स है ना, यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जहां होना चाहिए. तो यूनिफॉर्म का याद कर लीजिएगा. अब आगे बात करते हैं सर सेंटर ऑफ मास की इस कहानी के बाद, लेट अस डिस्कस फर्दर. अब देखो ये तो हो गई सर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इसी में दो बातें और समझेंगे. वन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द अनदर वन इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो देखिए सर, मान लीजिए कि आपने सेंटर ऑफ मास, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, अच्छा इसी में अगर क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं कहता है, अगर आपसे वो पोजीशन वेक्टर कह देता है, इफ दे आस्क यू द पोजीशन वेक्टर, तो कंफ्यूज मत हो जाना. आर सी ओ एम दैट मींस द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए दो पार्टिकल है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर आर वन है, इसका पोजीशन वेक्टर आर टू है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास लेट से, तो इसकी भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगी, वो आर सी ओ एम कहलाएगी. तो अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कह दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आर सी ओ एम विल बी इक्वल टू एम वन आर वन प्लस ऑफ एम टू आर टू, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इसी तरह से आप लिखते जाइए, एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम एम वन प्लस एम टू प्लस ऑफ एम थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिस विल गिव यू द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना. अच्छा अगर इस पोजीशन वेक्टर को इफ आई डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे कर दूं मैं dr/dt is equal to
एम वन बिकॉज मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट, तो डी आर बाई डी टी प्लस ऑफ, ये पोजिशन वेक्टर है, मास तो पार्टिकल का चेंज नहीं होगा बट पोजिशन वेक्टर कैन चेंज, राइट? अगर पार्टिकल्स चलने लगे, मूव करने लगे, तो उसके पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा, जो पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा तो सेंटर ऑफ मास के भी पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा, तो इसीलिए हम मास को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, व्हाट वी कैन डिफरेंशिएट इज द पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं ऐसा कर दूं m1 plus of m2 and so on, तो द रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल और द सेंटर ऑफ मास विल चेंज, दैट रेट विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, this velocity will be written as equal to m1 v1 plus of m2 v2 and so on and so forth. ab vector sign lagao mat lagao ya laga deta hu main, m1 v1 m2 v2 and so on and so forth divided by the total mass of the system, m1 plus of m2 and so on. acha sir, agar isko ek bar aur differentiate kar dein, velocity of center of mass, acceleration by differentiation, yes, so you will get the value of acceleration of the center of mass, d by dt of v1 plus of m2 multiplied by d by dt of v2 and so on and so forth. So agar hum aisa kar dein to we will get the value of acceleration of the center of mass, m1 plus of m2 and so on. So yahan se you will get the acceleration of center of mass, jo aap aise likh sakte hain, acceleration of center of mass is equal to m1 a1 plus of m2 a2, aise likh lijiye, divided by total mass of the system. अब एक बात याद रखिएगा कि आपका जिस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करूं, तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, जेड कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, तो अगर पार्टिकल चलेगा, तो इफ पार्टिकल विल मूव, तो इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली, और इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस, और इट कैन मूव अलॉन्ग ऑल द थ्री एक्सिस। तो उस केस में वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगी, y के अलॉन्ग भी होगी, और z के अलॉन्ग भी होगी, और नेट जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास की, दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल दोज वेलोसिटीज। मतलब अगर आपका सेंटर ऑफ मास, अभी उस पर क्वेश्चन मैं करा दूंगा एक दो, तो आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैन बी अलॉन्ग मोर देन वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिपेंडिंग ऑन के इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग है या सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्सक्यूज मी, इसको नोट करिए, तो दो क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस ठीक है, तो देखिए,
मान लो सर एक पार्टिकल है ऐसे जा रहा है एंड लेट दिस पार्टिकल इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड द पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 1 किलोग्राम द अनदर पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10√2 मीटर पर सेकंड 10√2 ज्यादा हो रहा है इसको कम कर देते हैं 6√2 मीटर पर सेकंड एंड द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज 2 किलोग्राम एंड इट्स गोइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द अनदर पार्टिकल इज हेयर दिस पार्टिकल गोज विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज let's say 4 kilogram at an angle of 37 degree and there is one more particle this way it is again of mass 2 kilogram and it is going upwards with a velocity of 4 meter per second ab ye system hai hamara in which we have four particles of different masses as you can see and their velocities are different ab isme aapse pucha gaya ki what would be the magnitude of velocity of center of mass ya simply aapse kaha gaya ki velocity of center of mass bataiye वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल का मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है आई एम नॉट सेइंग कि हर पार्टिकल एक्स और वाई के अलोंग मूव कर रहा है बट अगर एक भी पार्टिकल एक्स और वाई दोनों के अलोंग उसकी वेलोसिटी है तो आपको दोनों वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की एक्स के अलोंग भी फाइंड करनी पड़ेगी और वाई के अलोंग भी फाइंड करना पड़ेगा तो देखिए सर इस वाली वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट ले रहे हैं तो इस वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे एक 6√2 cos 45 अब मैंने ये रूट टू लगाए इसलिए कि रूट टू गेट्स कैंसल्ड आउट तो 6√2 cos 45 विल बिकम इक्वल टू 6 ओनली एंड दिस विल बिकम अगेन 6 बिकॉज आप कॉस 45 ले लें या साइन 45 ले लें बोथ आर 1/√2 और द वैल्यूज ऑफ देम इज 1/√2 यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 cos 37 मतलब 5 × 4/5 एंड दिस 5 एंड 5 विल गो दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड इस वाले का अगर आप y कंपोनेंट देखें तो 5 × 3/5 5 एंड 5 विल बी कैंसल आउट एंड यू विल गेट ओनली 3 एज योर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अब यहां पर अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो मैं x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लिखूंगा पहले सेंटर ऑफ मास की तो ये 1 किलोग्राम वाला पार्टिकल इज गोइंग अलोंग x एक्सिस तो 1 × 4 इज इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी फॉर दिस पार्टिकल 1 × 4 plus of 2 × 6 for the second particle 4 × −4 for the third particle because third particle's velocity is along the negative x axis and we are talking about the velocity which is itself a vector quantity so if the velocity is along positive direction you will take it as positive if it is along negative direction you will take it as negative divided by what divided by acha if 2 kilogram ko observe karo to 2 kilogram has no component of velocity along x axis because 2 किलोग्राम वाला जो पार्टिकल है इट इज ओनली गोइंग अपवर्ड्स और ये बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड इसका मतलब इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है यू डोंट हैव एनी कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो इसका मतलब इसके एक्स एक्सिस के अलोंग की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास विल बी 1 + 2 = 3 3 + 4 = 7 7 + 2 = 9 तो ये वैल्यू जितनी भी हो जाए ये हो जाएगा 4 + 12 −16/9 which will become equal to what −16 + 12 will become −4 + 4 matlab ultimately you are getting the velocity of center of mass along x axis to be 0 samajh aa rahi baat aap logon ko velocity yes, of sir. center of mass along y axis agar main lunga to y axis ke along is particle ki velocity along y axis will be 0 because it is only going along x axis दूसरे वाले पार्टिकल को देखो 2 × 6 थर्ड पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस एंड द फोर्थ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज 9 तो ये कितना हो जाएगा ये 12 + 12 + 8/9 दैट मींस इट विल बिकम 32/9 मीटर पर सेकंड एंड बिकॉज यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 तो इसका मतलब है कि नेट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल ओनली बी अलोंग वाई एक्सिस एंड दैट विल बी इक्वल टू 32/9 मीटर पर सेकंड अगर x कंपोनेंट नॉन जीरो आता इफ द x कंपोनेंट वुड हैव बीन नॉन जीरो तो फिर हम x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वेक्टर सम लेते बट यहां पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 0 तो इसलिए हमारी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ y डायरेक्शन में होगी और y एक्सिस के अलोंग होगी नोट करिए सर वन मोर क्वेश्चन
नोट करिए सर। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मान लो ये पुली ब्लॉक सिस्टम, यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए मान लीजिए वी आर हैविंग टू ब्लॉक्स कनेक्टेड टू दिस पुली एंड ऑफ कोर्स देयर मासेस विल बी डिफरेंट। लेट अस से दिस हैज गॉट अ मास ऑफ 4 किलोग्राम एंड द राइट वन हैज गॉट अ मास ऑफ 2 किलोग्राम। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन दिस केस। ठीक है, तो अनडाउटेडली तो पहला पॉइंट तो यही हो गया सर कि वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक, और अनडाउटेडली यहाँ पर जो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन है दैट विल बी सेम, राइट? यहाँ पर दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम है, तो एक्सीलरेशन सेम है, बट यस देयर डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द साइन कॉन्वेंशन कि अगर एक एक्सीलरेशन को आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे वाले ब्लॉक के एक्सीलरेशन को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, देन वन विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव एंड अदर वन विल बी निगेटिव, और उसके बाद फिर यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज m1a1 प्लस ऑफ m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। तो विल यू ट्राई दिस रिशिक, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? हां सर ट्राई करता हूं। चलो करो, इसमें थोड़ा हिंट दे दो कि मतलब ट्राई कैसे करेंगे, मतलब अप्रोच, मतलब मतलब आप भूल गए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याद आ रहा है? हाँ सर, वो तो निकाल लेंगे कि ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा 4 kg वाला, बस वही निकालना है, वही निकालना है, बाकी तो m1 a1 प्लस ऑफ m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 आएगा। अच्छा हाँ सर समझ गया मैं, ठीक है ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो वन ऑफ द डायरेक्शन विल बी टेकन नेगेटिव। यस सर ठीक है, करिए।
इज इट डन नाउ? होने वाला है सर, एक मिनट, कैन बी क्विक. चलो लेट मी कैलकुलेट. वैसे तो देखो इसके एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका तो एक तो ये है कि यू फॉर्म द कंप्लीट इक्वेशंस जो आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो. एक तो मेथड ये है कि यू विल राइट द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोर्स एंड देन यू विल इक्वेट दैट नेट फोर्स विद मास इनटू एक्सेलरेशन. तो देखिए इस पे एक तो फोर्स आ गया 20 which is mg of course, and there is a tension in the upward direction, there is 40 in the downward direction, and this tension is in the upward direction. This block will be going downward with some acceleration a, this block will be going up with the same acceleration of it. So hum left wale block ke liye likh sakte hain 40 minus of t is equal to 4a, and right wale block ke liye we can write it as t minus of 20 is equal to 2 times of a. If we add these, t will be cancelled out. 40 minus of 20 will be 20, and this 4a plus of 2a will be 6a. So, yahan se aap aise likh sakte hain, a is equal to 20 by 6, or you can write it as 10 by 3 meter per second square. 20 by 6 likh lo ya 10 by 3. Achha, ek dusra tarika, if you just have to find the acceleration in this case, or इस केस में हमें मालूम है कि बोथ द ब्लॉक्स विल बी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन. तो एक दूसरा इसका तरीका ये भी हो सकता था जो मैं एक्सेलरेशन निकालने का, जो मैंने आपको शायद बताया हो इन द चैप्टर ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. और इसमें नेट पुलिंग फोर्स इस केस में हमने बोला था आपसे कि द ग्रेविटी वुड बी कंसिडर्ड एज द नेट पुलिंग फोर्स. तो एक पे जो ग्रेविटी लग रही है दैट इज 40, अनदर ब्लॉक इज बीइंग पुल्ड बाय द ग्रेविटी विद अ फोर्स ऑफ 20. तो माइनस क्यों करा आपने सर? ऑल्दो द ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स, देन व्हाई आर यू सब्ट्रैक्टिंग दीज टू? द रीजन बीइंग कि अगर आप इन दोनों ब्लॉक को ऐसे कर दो, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो, तो इस पे 40 इधर लग रहा है और 20 इधर लग रहा है, तो नेट अल्टीमेटली ये सिस्टम उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर का फोर्स ज्यादा होगा. और ये वाला फोर्स इज ग्रेटर एंड दिस फोर्स इज स्मॉलर एंड बोथ आर हैविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो खैर 40 माइनस ऑफ 20 विल बी द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास व्हिच इज 6. तो यहां से भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे 20 बाय 6 और 10 बाय 3. तो देयर आर टू वेज बाय व्हिच यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. यस, ये वाला जो एक्सेलरेशन का मैंने दूसरा वाला मेथड बताया व्हिच इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये तभी तक आपका काम आएगा या वैलिड होगा जब ब्लॉक्स विल बी हैविंग सेम एक्सेलरेशन. अगर ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो यू विल हैव टू गो बाय द बेसिक्स और द फंडामेंटल मेथड व्हिच इज फॉर्मिंग द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. खैर, तो वट एवर बी द केस, हमें मालूम है कि 10 बाई 3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड बोथ द ब्लॉक्स विल बी हैविंग द सेम एक्सेलरेशन. मान लो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं तो इस वाले डायरेक्शन का आई हैव टू टेक नेगेटिव. ठीक है, I'll have to consider it as negative. ठीक है, by default वो negative हो जाएगा because if one direction is positive, तो opposite direction of that will be negative. तो acceleration of center of mass लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 2 multiplied by 10 by 3 plus of 4 multiplied by minus of 10 by 3 divided by the total mass, and the total mass is what? The total mass is 2 plus of 4. So solve this, acceleration of center of mass will become 20 by 3 minus of 40 by 3 divided by 6. If you'll solve this, this will be minus of 20 by 18. So acceleration of center of mass will become equal to minus of 10 by 9 meter per second square. And this acceleration of center of mass
is having a negative sign. This means that आपका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू ब्लॉक सिस्टम दैट विल नॉट बी गोइंग अपवर्ड, इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स, है ना. ये जो एक्सलेशन है वो किधर होगा, वो डाउनवर्ड्स होगा, इसीलिए आपका निगेटिव साइन आ रहा है. नोट कर लीजिए. सर मैंने जैसे डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया था तो मेरा प्लस में आया. बिल्कुल, मतलब ये जो आपने साइन लिया उसी साइन में आपका वो सेंटर ऑफ मास आ रहा है. इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपने अपना एक्सेलरेशन माना उसी डायरेक्शन पॉजिटिव माना उसी डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ मास जाएगा, या जिस डायरेक्शन में निगेटिव मैंने माना उस डायरेक्शन में मेरा सेंटर ऑफ मास जाएगा. मतलब इन बोथ द सिचुएशन सेंटर ऑफ मास इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सबने नोट कर लिया क्या? यस सर. ठीक है, तो ये तो हो गया सर डिस्कशन ऑन वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास और द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेयर विल यू गेट द सेंटर ऑफ मास, हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, उन पे डिस्कशन हो गया. नाउ राइट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड हाउ डू वी अप्लाई दैट. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब पहली बात तो ये समझो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या. और यहाँ पर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अल्टीमेटली एक बात तो बहुत क्लियरली समझ लो कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो या एनर्जी का कंजर्वेशन हो, ये कंजर्वेशन सिस्टम का ही होता है, इंडिविजुअल बॉडी या इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं होता. ठीक है, इफ द सिस्टम हैज गॉट मोर देन वन पार्टिकल तो पूरे पार्टिकल्स का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा या पूरे पार्टिकल का एनर्जी टेकन टूगेदर विल बी कंजर्व. तो ये इंडिविजुअल बॉडी का नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस बात को और फर्दर एक्सप्लेन कर दूं. जैसे मान लो कि इफ आई हैव अ सिस्टम विच कंटेन्स वन स्प्रिंग एंड वन ब्लॉक एंड लेट्स अ ब्लॉक इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड द स्प्रिंग इज गेटिंग इलोंगेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग लेट अस से इट बी एक्स. तो इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ kinetic energy of the block and the potential energy of the spring will be and the sum of this will be the energy of the system. So agar hum kisi bhi instant pe energy ko conserve karenge to hum ye nahi kahenge ki only the kinetic energy of the block is conserved or only the potential energy of the spring is conserved. Hum kahenge ki the sum of kinetic energy and potential energy of this spring block system is conserved. theek hai, to usme alag se system ka conservation kehne ka koi matlab hi nahi banta hai. seedhi baat ye hai whenever you have more than one body, तो जब भी conservation होगा either of the linear momentum or of the energy, that वो एक से ज्यादा body अगर है तो वो पूरी system मानी जाएगी और उस पूरे system का energy conserve होगा या momentum conserved होगा. अब मैं पहले तो आपको याद दिला दूं what was the linear momentum. तो आप याद करिए कि linear momentum was the product of mass and the velocity of the body. mass और velocity का जो product होता है उसको हम linear momentum कहते हैं और linear momentum is a vector quantity if you remember. ठीक है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड लीनियर मोमेंटम हैड अ रिलेशन विद द फोर्स. और आपको याद हो तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दिस फोर्स विल बी
एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपने किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, और जिस रेट से उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा दैट रेट विल बी सिंपली इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, राइट? ठीक है, तो आप देखिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं। देखो हमने अभी लिखा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज रिटन एज m1v1 प्लस ऑफ m2v2, मतलब हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं इन विच देयर आर मोर देन वन पार्टिकल, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग मासेस एज m1 m2 एंड सो ऑन एंड द वेलोसिटीज एज v1 v2 एंड सो ऑन। तो यहां से बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं m1 प्लस ऑफ m2 एंड सो ऑन ये सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं उसको अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेल मी यस और नो? यस सर। यस सर। कैन आई क्लेम दिस सम ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल और इंडिविजुअल पार्टिकल टू बी द मास ऑफ द होल सिस्टम? मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है उसके सम को कैन आई क्लेम इट टू बी द मास ऑफ द सिस्टम? और अगर मान लो कि मैंने ये मान लिया, ये ऑब्वियसली भाई पूरे सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल के ये मासेस है ना, तो इसको सबको ऐड करके मान लो कि लेट दैट बी इक्वल टू एम, वेर एम इज द मास ऑफ द सिस्टम, है ना। वेर सिस्टम का क्या मतलब, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं और उन सारे पार्टिकल्स का जो नेट मास है दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम विच विल बी ऑब्वियसली कंसिडर्ड एज द मास ऑफ द सिस्टम। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का उसका मास भी यही एम होगा या नहीं होगा, सोचो। मतलब इस अगर मान लो कि ये इतने पार्टिकल्स हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास का मास भी तो यही होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। यार सबको नहीं आई बात समझ में, भाई दो पार्टिकल है 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर दो पार्टिकल है हमारे 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मास कितना होगा, तो ऑब्वियसली 6 किलोग्राम ही होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मतलब ही होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पर हम पूरा मास ऑफ द सिस्टम प्लेस कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं टू बी प्लेस्ड। तो सेंटर ऑफ मास का मास उतना ही होगा जो पूरे सिस्टम का मास है, तो इसलिए हमने इसको एम कह लिया और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस ऑफ m2v2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या मैं इसको कह सकता हूँ, ये वाला जो टर्म है क्या मैं इसको कह सकता हूँ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास? यस सर। दिस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ऑब्वियसली द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, ये बनेगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। इसको हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होता है। व्हाई आई एम कंसीडरिंग वेक्टर सम, द रीजन बीइंग कि मोमेंटम इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो सम होगा ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेक्टर सम। अब अगर आप सोचिए कि इफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल एज इफ एक्सटर्नल, या मैं पहले इसको लिख देता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि एज इफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड इफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अच्छा सर, आपने एक्सटर्नल फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्यों बोला? क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने पढ़ाई यही है, हमारी डेफिनेशन ही यही है कि सेंटर ऑफ मास विल बिहेव इन द सेम वे एज द होल सिस्टम विल बिहेव। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिससे अगर हम पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दें तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमने सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिख दिया, इसका मतलब है कि मैं पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो अभी कि एक्सटर्नल फोर्स तो dP/dt, तो इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, ये तो मतलब हो गया, या कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एम आई करेक्ट? यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट, और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आपने क्या बोला है, इट कैन बी रिटन एज द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, तो p1 प्लस ऑफ p2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है सर कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स।
इसका मतलब ये है सर कि एम वन यू वन प्लस ऑफ एम टू यू टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर द पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू एम वन वी वन प्लस ऑफ एम टू वी टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर द पार्टिकल्स. यही आपका कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होगा? देन देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहेगा. सर यहां तक समझ आ गया, P1 प्लस P2 मतलब पूरा कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद का समझा दो. कहां से सर PI इज इक्वल टू PF कैसे किया हमने? भाई कोई चीज अगर कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है ना? Yes, तो टाइम के साथ कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है? मोमेंटम. तो अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कुछ है और फाइनल मोमेंटम कुछ और है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल और नॉट? यस सर, इट शुड. इट शुड बी इक्वल, राइट? वही मैंने लिखा है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी, क्योंकि देखो कोई चीज अगर कंजर्व है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. भाई केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें हम कहेंगे ना पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होगा. यस सर. Yes. मतलब ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इंडिविजुअल क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है. मतलब इंडिविजुअली प्रेशर चेंज हो सकता है, इंडिविजुअली वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, राइट? तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, है ना? Yes, समझे ऋषि? तो हाँ, इसी तरह से यहां पर, अच्छा एक बात याद रखो भाई, मास के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता कि मास बढ़ेगा या मास घटेगा, मास तो हमेशा फिक्स है. बट हाँ, इस केस में मैं यही कह सकता हूं कि अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हैं इन अ सिस्टम तो इंडिविजुअली उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है? इंडिविजुअली आ सकता है इवन विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स, बट यस जो सम है उस सारे मोमेंटम का, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम है, उस सम में चेंज नहीं आएगा, वो सम हमेशा कॉन्स्टेंट है. आप समझ पाए मेरी बात? Yes, sir. मतलब इंडिविजुअली पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब वो कैसे हो सकती है भाई? दो पार्टिकल आए, दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर जाए, टकरा जाए, तो टकराने पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना? वो चेंज होगा, बट यस द प्रोडक्ट तो चेंज हो रहा है, बट अगर हम इनिशियल सम ले लेना दोनों पार्टिकल के मोमेंटम का सम, और दोनों पार्टिकल के मोमेंटम का सम हम फाइनली ले लें, तो ये सम जो होगा, दैट सम हैज टू बी कांस्टेंट, यस दैट सम विल रिमेन कांस्टेंट. ये मतलब है आपके मोमेंटम के कंजर्वेशन का. ओके सर. नोट कर लिया क्या सबने? यस सर.
ऋषिक नोट कर लिया? देखिए इसके बहुत बेसिक सा एक पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे हम कैसे अप्लाई करते हैं उस बात को समझने के लिए एक नाइन्थ के लेवल के एक छोटी सी छोटे से क्वेश्चन को देख लो। जैसे मान लो कि इफ वी हैव अ बुलेट लाइक दिस, ठीक है, और इस बुलेट का मास मान लीजिए कि 100 ग्राम है, लेट दिस बी 100 ग्राम, एंड दिस बुलेट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, एंड दिस पेनिट्रेट्स इन अ ब्लॉक व्हिच वाज इनिशियली एट रेस्ट, एंड दिस वाज एट रेस्ट हैविंग अ मास ऑफ 4 किलोग्राम, इट वाज एट रेस्ट। आपसे बोला गया कि बुलेट पेनिट्रेट्स इन द ब्लॉक एंड रिमेन्स इन द ब्लॉक और रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, मतलब बुलेट पेनिट्रेट्स and remains embedded in the block. Bullet penetrate होता है और block के अंदर ही रह जाता है। तो आपको बताना है final velocity of block या bullet जो भी कह लें, तो क्या होगा या किस velocity से bullet will move, जो भी कह लें आप। तो आप momentum का conservation समझे यहां पर। तो सर देखो यहां पर मेरा सिस्टम क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। सिस्टम क्या है यहां पर सर, सिस्टम इज कंटेनिंग वन बुलेट एंड वन ब्लॉक। तो सिस्टम में एक बुलेट है और एक ब्लॉक है, और वो बुलेट और ब्लॉक में से बुलेट वाज इनिशियली मूविंग एंड द ब्लॉक वाज स्टेशनरी। तो इस सिस्टम का अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूं तो आई वुड राइट दिस इनिशियल मोमेंटम एज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, बिकॉज इनिशियली ब्लॉक में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियली मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। तो हम ये कहेंगे कि भाई इनिशियल मोमेंटम विल बी रिटन एज 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम, 100 ग्राम कैन बी रिटन एज 100 डिवाइडेड बाय 1000, व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू केजीस। ब्लॉक का जो मोमेंटम है दैट विल बी जीरो, और फाइनली क्या है कि आपसे कहता है कि बुलेट पेनिट्रेट्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। जब भी वर्ड आ जाए एम्बेडेड इन द ब्लॉक, इसका मतलब है कि बुलेट पेनिट्रेट होने के बाद ब्लॉक के अंदर ही रह गया, ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाया। तो इसका मतलब है कि दिस बोथ of these will move with the same velocity and let that velocity be v. तो आप क्या कहेंगे, आप ये लिखेंगे कि सर इसका जो टोटल मास होगा, what would be that total mass, this will be equal to 4 plus of 100 divided by 1000 which is the total mass of this system multiplied by v. अब इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, बट आपको मालूम है कि both has to move with the same velocity, तो हम इस कह सकते हैं कि net mass multiplied by the velocity, और velocity हमें निकालनी है तो हम यहाँ से velocity निकाल सकते हैं। ये वाला cancel हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, सही, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 41 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई वी। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/41 मीटर पर सेकंड। समझ में आया हाउ टू अप्लाई? सर एक डाउट था, आप पूछिए। सर ऐसे नहीं कर सकते थे हम इंडिविजुअल का कि बुलेट का जीरो हो जाएगा और उसका सम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो गलत हो जाता? नहीं नहीं ऐसा तब हो सकता था जब आपसे कह दे कि आफ्टर कोलाइडिंग विद द ब्लॉक बुलेट स्टॉप्स, ऐसा कह दे आपसे, है ना। यहाँ पर तो आपसे ऐसा कहा ही नहीं है, या फिर आपसे ये कह देता कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्लॉक बोथ ब्लॉक एंड बुलेट मूव्स, ठीक है। तो उस केस में देखो, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं कहा जाए कि मतलब कोलिजन के बाद या कोलाइड करने के बाद आपकी कोई एक बॉडी रेस्ट में आ गई है, तब तक आपको रेस्ट नहीं मान लेना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। अगर कोई चीज रेस्ट में आएगी ना तो दे विल मेंशन यू दैट कि फाइनली इट स्टॉप्ड। आपको क्या पता कि भाई कोलिजन के बाद वो रुकी या नहीं रुकी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो मेंशन करेंगे कि फाइनली इट स्टॉप्ड। अगर फाइनली स्टॉप्ड वर्ड नहीं आ रहा तो आपको तो नहीं आप नहीं मान लीजिएगा कि भाई रुक गया है, ऐसा थोड़ी होता है कि रुक ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ट्रक आए और एक ट्रक चलती हुई ट्रक ने चलती हुई कार से टकरा गई, तो ऐसा थोड़ी है कि चलती हुई ट्रक रेस्ट में ही आ जाएगी टकराने के बाद, ये तो जरूरी नहीं है ना। अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बुलेट पेनिट्रेट्स इन द ब्लॉक एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। तो इसका मतलब है कि भाई बुलेट और ब्लॉक दोनों पर्टिकुलरली सेम वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर रह गया है। अगर उसी के अंदर रह गया है तो भाई दोनों एक ही वेलोसिटी से चल सकते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से कैसे चलेंगे, है ना। यस
यस सर। सर अगर होता कि पेनिट्रेट्स द ब्लॉक एंड मतलब इट रिमेन्स एट रेस्ट इनसाइड द ब्लॉक तो भी सेम ऐसे ही। अरे तो इनसाइड द ब्लॉक में रेस्ट, इनसाइड द ब्लॉक का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई अगर वो रेस्ट में है बट वो ब्लॉक इज मूविंग तो इसका मतलब अल्टीमेटली बुलेट इज आल्सो मूविंग, तो सेम ही बात हो गई। बात तो सेम ही हो गई ना। यस सर। हो गया, एक मिनट सर। यस सर। चलिए अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि एक से ज्यादा डायमेंशन में बात हो जाए। अब आते हैं इस बात पे कि मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले सुनना। कि आपसे क्वेश्चन में है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। The two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second each. What is the velocity of the heavier fragment? आप क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि रिवाइज करते वक्त क्वेश्चन होगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बताया गया था। क्वेश्चन में लिख लें, a body of mass 1 kilogram initially at rest. बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स, एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इंटू 3 फ्रैगमेंट्स, एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इंटू 3 फ्रैगमेंट्स, into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3, explodes and breaks into 3 fragments of masses in the ratio 1:1:3. लिख लिया। तो वो रेशियो रिपीट करिए दोबारा से। 1:1:3। ओके सर। मतलब 1:1:3। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का आगे लिखे, द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास, द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ, द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली, द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ perpendicular to each other, perpendicular to each other, fly off perpendicular to each other with a speed of, fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second, 30 meter per second, 30 है ना। टू पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ अ स्पीड ऑफ 30 meter per second ईच, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रैगमेंट। ये बॉम्ब जाहिर है बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, बॉम्ब मान सकते हो, बट कुछ भी मान लो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बॉम्ब हो या कुछ भी हो, है ना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है एंड दैट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, बेसिकली ये समझ लो, है ना। बॉम्ब हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी ले लो उसको। ठीक है, खैर तो अब देखिए आपका क्वेश्चन बेसिकली है क्या कि आपकी जो बॉडी है उसका मास 1 किलोग्राम है एंड इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, इट वाज नॉट मूविंग एंड इट सडनली ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स एंड ऑल दोस 3 फ्रैगमेंट्स फ्लाइज ऑफ
इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जिसमें आपसे कहता है कि दो जो जिनके मास इक्वल हैं, दैट फ्लाइज ऑफ इन द सेम डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द थर्ड वन फ्लाइज ऑफ इन सम अदर डायरेक्शन, और तीसरे वाले की वेलोसिटी आपको बतानी है. तो पहले तो हम ये समझ लें कि अगर मान लो कि ये कोई बॉडी एंड द मास ऑफ दिस होल बॉडी इज एम, तो दिस बॉडी इज स्प्लिटिंग अप इनटू थ्री फ्रैगमेंट्स. तो आपसे कहता है कि दो जो फ्रैगमेंट हैं जिनके मासेज इक्वल हैं, दे फ्लाइज ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसका मतलब है कि दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए, नेट एंगल, दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. से समथिंग. इसका मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल, मान लो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेता हूं, तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45. यस सर. कह सकता हूं ना. यस सर. और ये तीसरा फ्रैगमेंट मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, बट आई एम अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी लाइक दिस. मान लो ये m1 है, ये m2 है, एंड द मासेस ऑफ दिस विल बी सेम, एंड m3 इज दिस वन. दिस गोज इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, लेट अस से इस वाले की जो वेलोसिटी वो हमसे कह रहा है 30 मीटर पर सेकंड है, और इस वाले की भी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है. नाउ व्हाट आर द मासेस ऑफ दीज थ्री पार्ट्स? तो m1 is to m2 is to m3 का जो हमें वो दे रखा है रेशियो, वो कितना दे रखा है? तो m1 is to m2 is to m3, the ratio is given to us as 1:1:3. तो m1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/5 × m, दैट इज m by 5 लिख सकते हैं. ये yes. समझ में आया कैसे रेशियो से हम वैल्यू जब निकालते हैं, तो रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू. इसी तरह से m2 भी कहोगे तो m2 इज ऑल्सो 5 m by 5, और m3 अगर लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3 m by 5. दीज आर द मासेज ऑफ दीज थ्री फ्रैगमेंट्स. अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो m3 इज गोइंग ओनली अलोंग वन डायरेक्शन और वन एक्सिस, बट m1 और m2 का अगर आप देखें तो m1 एंड m2 इज हैविंग वेलोसिटीज अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस, अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस. एम आई करेक्ट? यस सर. ठीक है. तो इस दोनों की वेलोसिटी अगर आप देखें तो 30 √2 और इधर भी कितना होगा 30/√2, और इधर भी कितना होगा 30/√2. कोई दिक्कत? नो सर. सर अब देखिए, बिकॉज दिस थर्ड पार्टिकल ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट ऑफ दिस बॉडी इज ओनली गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि हम एक्स वाले मोमेंटम को एक्स वाले के साथ कंजर्व कर सकते हैं और वाई वाले को वाई वाले के साथ कंजर्व कर सकते हैं. एक बात याद रखो, जब भी वेलोसिटी एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होगी, आपको हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को हॉरिजॉन्टल के साथ कंजर्व करना है और वर्टिकल वाले को आपको वर्टिकल वाले के साथ कंजर्व करना है. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल वाले से कंजर्व करके ही काम बन जाएगा. तो देखो, हॉरिजॉन्टल वाले का अगर आप देखें तो m1 और m2 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं m by 5 मल्टीप्लाइड बाय 30/√2 प्लस ऑफ m by 5 30/√2 is equal to m3 multiplied by v लिख सकते हैं, और m3 कितना है? तो m3 is 3/5 times of m multiplied by v. तो m ultimately will cancel out. Can we find the value of v from this? Yes sir. Sir, जैसे हमने assume कर लिया इसमें m3 का कहाँ जाएगा, तो सर हम वो कहीं भी assume कर सकते हैं? हम किसी भी मतलब m3 इस केस में, अच्छा बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं है कि भाई किधर जाएगा, मगर आप इमेजिन करो तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम वाज जीरो और नॉट? यस सर. तो अगर ये इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी जीरो, राइट? यस सर. ठीक है. अब देखो, अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम को ऑब्जर्व करो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल है और ऑपोजिट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन जीरो हो रहा है. इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. यस सर. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखो, इन दोनों पार्टिकल का m1 और m2 का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अलोंग है, तो वो जीरो तो तभी हो सकता है जब थर्ड वाले पार्टिकल का जो मोमेंटम हो वो निगेटिव एक्सिस का अलोंग हो, तभी तो एड होके जीरो हो सकता है. समझे या नहीं? हाँ सर, समझ गए.
नोट कर लिया सर? जी सर, मैं एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट करके बता दो जल्दी से। मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ एक वॉल है, लेट अस से एक दीवार है वॉल, ठीक है, और इस वॉल पे आई एम हिटिंग अ बॉल एंड द बॉल कम्स एंड स्ट्राइक्स लाइक दिस। ये बॉल ऐसे आई, ऐसे स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइक करने के बाद इट गोज लाइक दिस, ठीक है, एंड इट स्ट्राइक्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड गोज एट द सेम एंगल। तो लिसन टू द क्वेश्चन, एंड द मास ऑफ दिस बॉल इज 5 किलोग्राम विच स्ट्राइक्स ऑन द वॉल। तो अनडाउटेडली वॉल पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा सर। वॉल मतलब वॉल, वॉल दीवार, दीवार पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। दीवार का मतलब जो है वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा, ठीक है, बट यस बॉल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, और जितना बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही दीवार के भी मोमेंटम में चेंज आप मानेंगे, है ना बच्चों? ठीक है, तो यहां पर आपको समझना क्या है, यहां पर आपसे सिंपली ये पूछा गया कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, बॉल के मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। सर मैग्नीट्यूड वाइज तो नहीं आएगा ना चेंज, बस डायरेक्शन वाइज आएगा। नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन वाइज चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाई मोमेंटम में चेंज आ रहा है। हां सर, और सर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना? नहीं भाई, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अच्छा सर, ग्रेविटी भी लगाएंगे हम? नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार जरा। ओके सर, ग्रेविटी अगर कंसीडर कर लोगे तो फिर मोमेंटम को कंजर्व कैसे कर पाओगे? वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी विल बी द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? यस सर, है ना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो मोमेंटम आप कंजर्व नहीं कर सकते। कर लिया सर नोट। ठीक है, अब देखिए सर, सबसे पहली बात यहां पर, इफ यू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसे है, एंड इट मे अपीयर टू बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बट इट इज एक्चुअली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? क्योंकि इस वेलोसिटी का अगर आप ये देखो डायरेक्शन, तो इट इज पॉइंटिंग इन टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? भाई इस वेलोसिटी का वेक्टर जो है, या वेलोसिटी का जो एरो दिख रहा है आपको, इट इज पॉइंटिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी मैंने आपको नहीं बताई है, बट आप एक काम ये कह सकते हैं, अच्छा मान लो कि इसकी वेलोसिटी मैं कुछ ले लेता हूँ ना, वेलोसिटी मैं आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने मास दिया है, तो वेलोसिटी मान लीजिए इस पार्टिकल का जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, लेट अस से। तो अब देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड है, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टू, खत्म करते हैं यार, 10 रूट टू ले लो बेटा, रूट टू का चक्कर ना रहे, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, और ये भी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अग्रीड? और टकराने के बाद का वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, तो टकराने के बाद की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और दिख भी रही है। अब एक बात बताओ कि टकराने के बाद, इफ इट वाज इट कोलाइड विद एन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इसका क्या मतलब कि किस सेम वेलोसिटी से ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा या डिफरेंट वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हुआ होगा? जस्ट मेक अ गेस। वैसे तो हम ये आगे प्रूफ करेंगे इस बात को व्हेन वी विल डिस्कस कोलिशन, बट अभी तो बस इतना गेस करके मुझे बताओ कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, तो ऑलवेज रिमेम्बर
कि उस केस में वेलोसिटी विल नॉट चेंज, द वेलोसिटी विद विच इट वाज इंसिडेंट ऑन द सरफेस विद द सेम वेलोसिटी इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, तो वेलोसिटी हैज टू बी द सेम, राइट? यस सर. समझ, अब देखिए सर, ये भी 10√2 होगा एंड दिस एंगल इज अगेन 45 degrees, तो ये फिर से 10 हो गया, ये फिर से 10 हो गया. अब अगर आप ध्यान दो ऋषिक एंड ऑल, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी या दिखाई दे रही होगी कि आप अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में आप इनिशियल मोमेंटम देखें तो इनिशियल मोमेंटम इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, और फाइनल भी अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस है. तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लिखूं तो मैं लिखूंगा मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, यही तो करूंगा, मास मल्टीप्लाइड बाय द फाइनल वेलोसिटी. बोलो. यस सर. यस सर. माइनस ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये इनिशियल ये फाइनल. लेकिन अगर आप देखें तो मास इज व्हाट, मास इज 5 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 10 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आप लिखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 10, डोंट यू थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 0? यस सर. मतलब वाई डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज ऑफ मोमेंटम. अब एक्स डायरेक्शन में आते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में देखो डेल्टा पी एक्स, तो आप यही लिखेंगे एम वी एक्स फाइनल माइनस ऑफ एम वी एक्स इनिशियल. तो अगर आप मास लिखिए 5, इनिशियल वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन देखोगे तो इट विल बी सॉरी फाइनल वेलोसिटी की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आई एम टेकिंग दिस हैज टू बी पॉजिटिव एंड दिस हैज टू बी नेगेटिव, इज इट करेक्ट? यस. आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो. मैंने लेफ्ट वाले एक्स एक्सिस को नेगेटिव माना है और राइट वाले एक्स एक्सिस को पॉजिटिव माना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस ऑफ 10 एज अ प्रोडक्ट माइनस ऑफ 5, और ये वाला जो है ये वाला ये प्लस है तो प्लस ऑफ 10. अगर आप यहाँ पर देखो तो -50 -50 इज इक्वल टू -100, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. समझ आई बात? Yes, sir. इसका मतलब कि अगर सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं आपके, अगर उनकी वेलोसिटी इज अलोंग मोर देन वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपको मोमेंटम को कंजर्व करना होगा अलोंग ऑल दोस कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स वाला मोमेंटम एक्स वाले मोमेंटम के साथ कंजर्व होगा, वाई वाला मोमेंटम वाई वाले मोमेंटम के साथ कंजर्व होगा, एंड अगर जेड वाला भी होता तो जेड वाला जेड वाले के साथ कंजर्व होगा. सर तो एक्स एक्सिस में अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है? यस, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ऋषिक, बोलो. हाँ. यस सर. और वेक्टर के चेंज होने का दो मतलब होता है, आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस और इट्स डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस. बोलो. हाँ. Yes, sir. नहीं बोल रहा. तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है बिकॉज इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना. ऋषिक तुम्हें समझ में आया? यस सर. सबने नोट कर लिया इसको? यस सर.
डन चलिए, अब ये तो हो गई बेसिक सी बात है, बेसिक सा डिस्कशन। अब इसी में देखिए मोमेंटम का कंजर्वेशन जो होगा, तो मोमेंटम के कंजर्वेशन में सिर्फ मोमेंटम का कंजर्वेशन ही नहीं होगा, उसमें एनर्जी का भी कंजर्वेशन इन्वॉल्व किया जाएगा और उसके साथ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। अब कैसे किए जाएंगे देखिए, इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। और इस पहले क्वेश्चन क्या हुआ, ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ देखिए। ये मान लीजिए कि लेटर से इट्स अ पेंडुलम जिसका बॉब है, ये इस बॉब का मास एम है और ये ऐसे पेंडुलम इज हैंगिंग विद द वॉल, और यहाँ पर एक बुलेट है, इस बुलेट का मास स्मॉल एम। दिस बुलेट इज कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, बुलेट पेनिट्रेट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन द पेंडुलम। ठीक है, तो एक बात बताओ कि बुलेट पेनिट्रेट करेगा एंड इट विल गेट एम्बेडेड इन द पेंडुलम, तो बुलेट प्लस पेंडुलम विल मूव अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी और नॉट बेटे? फिर से रिपीट कर लो, फिर से सुनो भाई। बुलेट आया और बुलेट पेंडुलम के बॉब के अंदर पेनिट्रेट हो गया, बोलो हाँ। यस सर। जब बुलेट आके बॉब के पेंडुलम के बॉब के अंदर पेनिट्रेट होके उसी बॉब के अंदर रह गया, तो अगर बुलेट बॉब के अंदर ही रह जाएगा तो बॉब कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा या नहीं अलोंग विद द बुलेट? करेगा सर। करेगा, तो जब वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये कुछ ऊपर भी जाएगा। यस सर। तो जाएगा और तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो आपका क्वेश्चन इसमें ये है कि टू व्हाट हाइट बॉब प्लस बुलेट विल राइज। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो, बुलेट पेनिट्रेट्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन द बॉब, उसके आगे लिखना टू व्हाट हाइट बॉब विल राइज। बुलेट पेनिट्रेट्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन द बॉब, टू व्हाट हाइट बॉब विल राइज। बुलेट पेनिट्रेट्स एंड रिमेन्स एम्बेडेड इन द बॉब, टू व्हाट हाइट बॉब विल राइज। लिख लिया, यस सर। अब देखिए इसमें दो पार्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो पहले तो इसमें यह है कि मोमेंटम का कंजर्वेशन भी है एंड साथ साथ इसमें एनर्जी का भी कंजर्वेशन है, और ध्यान से देखिएगा। पहले हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था ना बुलेट और ब्लॉक वाला, तो वैसा ही कुछ है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हम करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं mv इज इक्वल टू m प्लस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v डैश। ये समझ आया तुम लोगों के क्या है ये? जस्ट जब बुलेट पेनिट्रेट हो गया तो ये पूरा सिस्टम कुछ v डैश वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो इस v डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, mv डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ m? बोल लो बेटा प्लीज। यस सर। यस सर। तो दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच द ब्लॉक प्लस बुलेट विल राइज। तो ये तो हमने वेलोसिटी निकालना है, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज द हाइट टू व्हिच द बॉब विल राइज। तो अब देखो, अब इस सेकेंड पार्ट के लिए वी विल कंजर्व द एनर्जी और विल यूज द एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर जब ये पूरा है तो यहां पर जो एनर्जी है वो काइनेटिक है, बिकॉज आई हैव टेकन द रेफरेंस लाइन एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। तो जहां पर हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो हाईएस्ट का मतलब ही यही होता है कि वहां पर जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तभी तो वो हाईएस्ट पॉइंट है। अदरवाइज व्हाई विल इट बी हाईएस्ट पॉइंट? नहीं आया भाई, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी विल बिकम जीरो, तभी इट विल बी कंसिडर्ड एज हाईएस्ट पॉइंट। तो यहां पर जो इसके पास एनर्जी होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ हाफ इंटू एम प्लस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच। एम प्लस एम कैंसल्स आउट, तो ये एच हमें चाहिए, तो एच की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एच की वैल्यू हम लिख सकते हैं वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, और वी डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए एम वी अपॉन एम प्लस ऑफ एम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन टू जी, जैसे भी लिख लो। Did you understand?
यस सर यस सर यस सर तो इसको नोट करिए। कर लिया सर नोट? एक मिनट सर पेन सर हो गया सर ओके। तो आज इतना ही, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।